हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बताती हूँ। जो बनाने के लिए मैंने दो कलर लिए हुए हैं और मैंने 9 नंबर सिलाई ली हुई है और वूल को मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से दोनों ही वूल मैंने फोल्ड करी है और यहाँ पे हमने येलो और ब्लैक लिया हुआ है। आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम वूल में बता रहे हैं आपको। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 9 नंबर सिलाई ली हुई है और 28 फंदे मैंने डाल लिए हैं यहाँ पे, 20 और 8 मैंने। जितना भी बड़ा आपको चाहिए आप इस हिसाब से इसे 30 फंदे का, 32 फंदे का, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। किस तरह से हमने बनाना है, प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पे हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बताएंगे जो बनाने में बिल्कुल आसान है। तो देखिए, यहाँ पे एक हम बना चुके हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। 14 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब 14 फंदों में हम लास्ट के में यहाँ पे, ये देखिए, येलो कलर लगा देंगे और यहाँ पे मैं, ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 12 फंदों में येलो कलर लगा दिया है और देखिए, मैं पहली ही सिलाई से आपको बता रही हूँ ये, और लास्ट के मुझे दो फंदे यहीं पे छोड़ देने हैं, ये देखिए। और यहीं से मैं वापस होके, ये देखिए, जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम 12 फंदे येलो के बना लेते हैं, 14 फंदे हम ब्लैक कलर से बना लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी शुरुआत करनी है, ये देखिए, इस तरह से धागे को क्रोच करते हुए हम ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, धागा हमने येलो वाला पीछे कर दिया है, ब्लैक हम आगे ले आए हैं और इस तरह से हम ये बना लेते हैं। उल्टी सिलाई पे आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीधी सिलाई बना ली है, लास्ट के दो फंदे छोड़ दिए हैं ब्लैक कलर के, मैंने 14 फंदे ये बना लिए हैं और 12 फंदे मैंने येल्लो से बनाए हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे और धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें डिजाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाएंगे, ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पे ये मैं दो फंदे ब्लैक के येल्लो से बनाऊंगी, इस तरह से, ये देखिए। आगे यहाँ से मैंने डिजाइन को शुरू कर दिया है। जब हम दूसरी सिलाई पे आएंगे उल्टी तरफ, तो ये फंदे हमने जो बनाए हैं दो फंदे, यही ध्यान रखना है हमने, ये दो फंदे मैंने बनाए। तो ये मैं अब अगली सिलाई में यहाँ पे येल्लो करूँगी और ये मैं ब्लैक करूँगी। लास्ट के हम हर बार दो दो फंदे छोड़ेंगे, यानी कि 14 फंदे हमने इसी तरह से ये छोड़ देने हैं दो दो करके, और आगे के 14 फंदों में हमने डिजाइन को इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तो देखिए, फिर से मैंने लास्ट के येलो कलर के दो फंदे छोड़ दिए हैं और मैं यहीं से टर्न कर लूंगी।
और सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई पे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई हमने बना ली है जो फंदे जैसे हैं। अब ये देखिए आगे की तरफ इसी तरह से हमारा यहाँ पर डिजाइन बढ़ता हुआ चला जाएगा 14 फंदों में, और यहाँ पे हम दो दो करके 14 फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए हम डिजाइन को आपको बताते हैं। जो फंदे हमने यहाँ पे ये येलो बनाए थे ब्लैक वाले, अब हम इनको ब्लैक बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से पहला फंदा हम उतारेंगे, यही ध्यान रखना है हमने, और धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे ये देखिए 4 फंदों में डिजाइन बन जाएगा। ये ब्लैक वाले फंदे मैंने येलो से बनाए थे, अब ये देखिए यहाँ पे ब्लैक वाले फंदे हम 2 येलो से बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। अब ये वाले फंदे जो ब्लैक हमने येलो से बनाए वो हम ब्लैक से बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इसके बाद हम येलो से ही बनाएंगे लास्ट के, हम फिर से 2 फंदे छोड़ेंगे। हर बार हमने लास्ट के 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाना है, और ये हर बार हमने डिजाइन आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाना है। अब यहाँ पे हम येलो बनाएंगे, और येलो वाले जो फंदे हैं वो ब्लैक बनाएंगे, वो ये वाले येलो बनाएंगे। डिजाइन को हमने चेंज करते हुए जाना है, और सीधी सिलाई में देखिए हम बता देते हैं एक बार और आपको। सीधी सिलाई में हम जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। ये वाला डिजाइन मैं अपने चैनल में पहले से भी डाल चुकी हूँ, पर मैं इसका अलग सा ही लुक बनाऊंगी, इसलिए मैं आपको ये दोबारा बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। प्लीज वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा, ये देखिए। सीधी सिलाई में धागा को क्रॉस करते हुए हमने जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से बना के कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये सीधी सिलाई ये हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम फिर से यही करेंगे, उल्टी सिलाई पे ही हमने डिजाइन को बनाना है। तो यहाँ पे हम 8 फंदे ब्लैक से बना लेते हैं, ये देखिए 5 हो गए हैं, 6, 7 और ये देखिए 8। अब ये देखिए यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से धागा करेंगे, 2 फंदे येलो के और येलो वाले फंदे ब्लैक से, इस तरह से ही हमने डिजाइन को बनाते हुए जाना है, ये देखिए। अब ब्लैक वाले फंदे येलो से 14 फंदों में हम इसी तरह से ये डिजाइन हम बनाते हुए जाएंगे, और लास्ट के फिर से हम येलो से ही बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट में आपको, ये देखिए। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है ये डिजाइन, देखिए। फिर हम 2 यहाँ पे बनाएंगे और ब्लैक वाले येलो से बनाएंगे। इसी तरह से हमें धागे को चेंज करते हुए जाना है, और सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेंगे इसको। तो चलिए मैं बनाती हूँ इसको, लास्ट में आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको लास्ट का बताएंगे। यहाँ पे हम ये देखिए 12 फंदे छोड़ चुके हैं, अभी हमें 2 फंदे बाकी हैं छोड़ने। और देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे छोड़ेंगे, और यहाँ पे अभी हमारे 4 फंदे बाकी हैं ब्लैक वाले, ये देखिए। इस तरह से डिजाइन को बढ़ा लिया है आगे की तरफ। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए। तो 2 फंदे यहाँ पे ब्लैक से बना लेते हैं, और ब्लैक वाले फंदे हम येलो से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और येलो वाले फंदे हम ब्लैक से बना लेंगे, और ब्लैक वाले फंदे येलो से, इस तरह से। तो ये हमारा 14 फंदों में डिजाइन बनता हुआ जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। आगे के 2 फंदे ब्लैक से। तो यहाँ पे ये देखिए
दो चार छः आठ दस बारह चौदह फंदे हमने छोड़ दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। अभी ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक डिजाइन को बनाना है, तो यहाँ यहीं से हम वापस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, धागा पीछे और ये देखिए येलो आगे, ब्लैक और येलो आगे, इस तरह से हम बना लिए हैं। ये देखिए तो यहाँ पे हम 14 फंदे लास्ट के छोड़ चुके हैं और यहाँ से अभी हमें दो फंदे और बाकी हैं बनाने। तो देखिए यहाँ पे हम एंड तक हम डिजाइन को बनाते हुए चले गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ब्लैक वाले फंदे ये भी येलो से ही बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम खाली ये देखिए डिजाइन को ही बनाएंगे 14 फंदों में, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से ये देखिए अब यहाँ पे हमने सारे फंदे छोड़ने के बाद हमने सभी, ये देखिए 14 फंदे छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे खाली 14 फंदे ही ये बना लिए हैं डिजाइन को लास्ट तक बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे लास्ट तक पूरा डिजाइन जा चुका है ये देखिए, और हम 14 फंदे यहाँ पे बना लिए और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। अब सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है इसको हम बना लेते हैं, उल्टी सिलाई पे आपको दिखाते हैं फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 14 फंदे बना चुके हैं और सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से हमने बना लिए हैं लास्ट तक डिजाइन बनाने के बाद। ये देखिए यहाँ तक हमारा डिजाइन ये आ चुका है, येल्लो के फंदे आ चुके हैं और यहाँ पर हमने ये 14 फंदे छोड़ दिए हैं, 14 फंदों में हमने ही ये डिजाइन बनाया है इस तरह से। अब ये देखिए जिस तरह से हमने ये डिजाइन आगे की तरफ बढ़ाया था उसी तरह से अब हम यहाँ से कम करेंगे डिजाइन को। तो देखिए किस तरह से हमने कम करना है, ये देखिए यहाँ पे अब ये फंदे हम ये देखिए येल्लो से ही, सॉरी येल्लो वाले फंदे हम ब्लैक से बना लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन कम होता हुआ जाएगा ऊपर की तरफ से। अब येलो ब्लैक वाले फंदे हम येलो से बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए दो फंदे ब्लैक के हमने बना चुके हैं। बीच में डिजाइन को उसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, जो ब्लैक वाले फंदे वो येलो से और येलो वाले फंदे ब्लैक से, बीच वाला डिजाइन हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये देखिए दो दो करके ये हमने 14 फंदे जो छोड़े हैं, अब यहीं से देखिए एक धागा एक फंदा हम उठा लेते हैं और दूसरे फंदे के साथ हम इस फंदे को बना लेते हैं। अब जिस तरह से ये फंदे छोड़े हैं उसी तरह से दो दो फंदे हम लेने के बाद यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए दो फंदे मैंने आगे की तरफ ले लिए हैं और हम यहीं से वापस हो गए हैं। अब सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना लेते हैं। ये देखिए सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीधी सिलाई यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे हमने दो फंदे ब्लैक के बनाए थे, तो यहाँ पे जो हम 14 फंदे छोड़े दो फंदे हमने येल्लो वाले बना लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे, पहली सिलाई पे हमने ये देखिए आधी पत्ती बनाने के बाद मैंने दो फंदे ब्लैक के बनाए थे, अब फिर से मैं आगे के दो फंदे ब्लैक से ही बनाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पे चार फंदे हो चुके हैं,
इसी तरह से ये ब्लैक वाले फंदे, डिजाइन वाले जो फंदे ब्लैक से बनते हुए चले जाएंगे, दो दो हर बार जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से बीच में ये डिजाइन हमारा येलो वाले फंदे ब्लैक से, ब्लैक वाले फंदे येलो से, इस तरह से बनता हुआ जाएगा बीच वाला डिजाइन हमारा। ये देखिए, तो दो फंदे हमने पहली सिलाई पे ले लिए थे, अब हम दूसरी सिलाई पे हैं। आधी पत्ती बनाने के बाद दूसरी सिलाई पे हैं। अब जहां पे भी आपको गैप दिखेगा वहीं पे आपने फंदा उठाना है और दूसरे फंदे के साथ इसको बना लेना है। तो दो फंदे मैंने फिर से ले लिए हैं और मैं यहीं से टर्न कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे चार फंदे ब्लैक के बन चुके हैं, तो चार फंदे ही हमने जो ये ले लिए हैं, दो दो करके जो छोड़े हुए हैं। सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना लेते हैं। ये देखिए बहुत इजी है। तो चलिए मैं इसको इसी तरह से बना लेती हूँ सीधी सिलाई को, फिर दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से हमारा डिजाइन कम होता हुआ जा रहा है और हम लास्ट के ये दो दो फंदे लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए हम चार फंदे बना चुके हैं, चार फंदे यहाँ पे येलो के हो चुके हैं। और ये देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ, तो अब यहाँ पे हम ब्लैक कलर के छह फंदे बना लेंगे। ये देखिए चार बना लिए हैं, दो फिर हम येलो वाले ब्लैक से ही बना लेते हैं और बीच में हम डिजाइन को उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ब्लैक वाले फंदे येलो से और येलो वाले फंदे हम ब्लैक से, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने चार फंदे लिए थे, ये भी हम यहाँ पे अब छह फंदे हम बना लेते हैं। ये देखिए जहाँ पे भी आपने गैप दिखेगा कि यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम दूसरा फंदे के साथ इस फंदे को बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ये देखिए इस तरह से आ जाएगा और यहीं से हम वापस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, लास्ट के मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अभी लास्ट के ब्लैक वाले फंदे जो हमने छोड़े थे वो बाकी बचे हैं और यहाँ पे हमारा ये डिजाइन पूरा हो चुका है। ये देखिए जिस तरह से मैंने शुरुआत पे यहाँ पे शुरुआत की थी, दो फंदे हमने येलो के बनाए थे ब्लैक वाले, उसी तरह से यहाँ पे ये देखिए डिजाइन आ चुका है। यहाँ पे ये येलो के ब्लैक वाले फंदे बन चुके हैं। सीधी सिलाई को हम यहाँ पे बना लेते हैं जो फंदा जैसा है। अभी लास्ट के ब्लैक वाले फंदे दो बचे हैं। डिजाइन यहाँ पे हमने जिस तरह से फंदे छोड़े थे दो दो करके उसी तरह से हमने यहाँ पे बना लिए हैं। ये देखिए पीछे हम धागा कर लेंगे और हम ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से ये बना लेंगे इस तरह से। इसको बड़ा छोटा आपने रिकॉर्डिंग के साथ आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए डिजाइन उसी तरह से, यहाँ पे देखिए जो डिजाइन हमने शुरुआत की है उसी तरह से यहाँ पे आके कम हो गया है। इस तरह से ये पत्ती हमारी पूरी बनके कंप्लीट है। इसके बाद हम ये देखिए पूरी सिलाई को हम ब्लैक से ही बना के कंप्लीट करेंगे। लास्ट के जो ब्लैक वाले फंदे हैं दो, उन्हें भी हम इस ब्लैक पूरी सिलाई बनाते हुए वो लास्ट के दो फंदे भी हम बना लेंगे। डिजाइन वाले फंदे हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखिए हम ब्लैक से ही पूरी सिलाई को बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम ब्लैक के फंदे छुटे हुए थे ये भी हम बना लेते हैं इसके साथ ही। ये देखिए
तो यहाँ पे इस तरह से ये पत्ती पूरी हमारी बनके कंप्लीट है, ये देखिए उसी तरह से। तो चलिए हम इस सीधी सिलाई को बना लेते हैं, इसके बाद एक बार और आपको दिखा देते हैं हमने डिजाइन को किस तरह से अलग अलग करना है, या मैं हम इसमें हम थोड़ा सा अलग डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से डिजाइन को अलग अलग करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला डिजाइन ब्लैक से बनाएंगे और यहाँ पे हम ये देखिए येलो से बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे एक पत्ती बनके कंप्लीट है। तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। अब ये वाला डिजाइन जो है हमारा, ये हमारा येलो से बनेगा और ये यहाँ पे हमारा ब्लैक आएगा। इस तरह से हम इसका बनाना हमने उसी तरह से जिस तरह से मैं आपको ये पत्ती बताई हूँ, पर मैं आपको अलग अलग देखिए किस तरह से कलर लगाएंगे हम। अब यहाँ पे ये देखिए हम येलो को लगा लेते हैं 14 फंदों में, ये देखिए इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 फंदों में जो हमने शुरुआत में ब्लैक लगाया था वहां पे हमने येलो लगा लिया है। अब येलो वाले फंदों में हम यहां से ये देखिए ये ब्लैक लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और लास्ट के हम फिर से 2 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए लास्ट के मैं 2 फंदे फिर से छोड़ देती हूँ। 12 फंदे मैंने ये बना लिए हैं और यहीं से हम वापस हो जाते हैं। तो सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डिजाइन को अलग अलग कर लिया है। जो यहाँ पे ये पत्ती, ये वाली जो पत्ती है ये ब्लैक से बनेगी, और यहाँ पे जो ये येल्लो है वो येल्लो से बने, सॉरी यहाँ पे जो ब्लैक है वो येल्लो से बनेगा। इस तरह से हमने पत्ती को अलग अलग कर दिया है। डिजाइन हमने उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम आपको ये बताए हैं, सेम उसी तरह से बनाना है डिजाइन को। ये देखिए, तो यहाँ पे ये वाली चीज हमारी ये येल्लो से बनती हुई आएगी, और ये वाली जो येल्लो वाली है ये पत्ती, ये हमारी ब्लैक से बनेगी। तो हम इसको इसी तरह से बना के पूरा डोरमैट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ये देखिए एक बार फिर से और बता रही हूँ आपको, पहला फंदा हमने उतार लिया, धागा अपनी तरफ कर लिया है। ये देखिए, बनाना हमने सेम उसी तरह से जिस तरह से मैं आपको ये पत्ती बना डिजाइन बताई हूँ उसी तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे अब ये 2 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे, येलो वाले इस तरह से, और लास्ट के हमने फिर से 2 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए, तो मैं इसको बनाती हूँ इसी तरह से, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। बनाना हमने उसी तरह से है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 कलियों वाला डोरमेट कंप्लीट है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये शुरुआत की पत्ती बताई थी उसी तरह से मैंने सारे अलग अलग कलर चेंज करके इसको बना लिया है। आप इसे 8 पत्तियों का भी बना सकती हैं, और इसे आप 12 पत्तियों में भी, 12 कलियों में भी आप इसको बना सकती हैं। मैंने 6 कलियों में ये बनाया है, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ से हमने जो ये फंदे ब्लैक वाले 14 फंदे ये ब्लैक से ही घटाने हैं, और ये वाले फंदे मैंने 14 फंदे येलो कलर के ये येलो से ही घटाने हैं। यहाँ पे हमने एक सिलाई पूरी शुरुआत से ब्लैक कलर से ही बनाई, तो हमने इसी तरह से घटाने हैं फंदे, और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये काफ़ी सुंदर हमारा डोरमेट बन गया है, ये देखिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा।
तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।